सन। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड की 81 सीटों के लिए एबीपी न्यूज का सर्वे यहां पर आ चुका है। अचानक से सारे आंकड़े बदल चुके हैं, बड़ी पार्टियों को बड़ा झटका यहां पर लगा है। पहले चरण के लिए जनता ने अपनी राय दे दी है और ईवीएम में यहां पर 13 सीटों के नतीजे कैद हो चुके हैं। इसके नतीजे 23 दिसंबर को सामने आ जाएंगे, लेकिन पहले चरण में किसको कितनी सीटें यहां पर मिल सकती है, इसके लिए मैंने पहले भी आपको जानकारी बता दी है। और अगर यहां पर बात करें तो 4 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं, तो अमित शाह और हेमंत सोरेन जो कि बड़े यहां पर दिग्गज माने जा रहे हैं, क्योंकि इन दो बड़ी पार्टियों के बीच में ही लड़ाई होने जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र की लड़ाई थम चुकी है और महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। और इसी बीच यहां पर बंगाल की 3 सीटों पर भी उपचुनाव किए गए थे जिनके नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस बीजेपी को नुकसान तो ममता बनर्जी को 2 सीटों का इजाफा हुआ है, लेकिन उत्तराखंड की पिथौरागढ़ सीट बीजेपी जीतने में सफल रही है। तो आखिरकार अब प्रधानमंत्री मोदी जी को उतरना पड़ा है झारखंड की धरती पर, और झारखंड की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी जी कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और जनता को कहीं ना कहीं अब यहां पर अमित शाह भी अपनी राय रख रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि जनता के लिए बीजेपी सरकार ने क्या क्या किया है। झारखंड पुकारा भाजपा दोबारा, इस नारे को लेकर बीजेपी चल रही है, लेकिन 13 सीटों का मतदान तो हो चुका है और बढ़ चढ़ कर सभी ने इस चुनाव में भाग लिया है। लेकिन झारखंड की 81 सीटों के लिए एबीपी सीवी वोटर का यहां पर सर्वे आ चुका है और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। तो झारखंड में सत्ताधारी बीजेपी को बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है, तो ये यहां पर सूत्रों के हवाले से एबीपी सीवी वोटर का ये सर्वे है। बड़े यहां पर दिग्गजों का यास में अपनी राय दी गई है। मौजूदा अगर विधानसभा सीटों की अगर आप बात करें, बीजेपी को 37, कांग्रेस को 6, एजीएस पार्टी को 5, जेएमएम को यहां पर 19 सीटें और जेबीएम को 8 और अन्य के खाते में 6 सीट गई। लेकिन इस बार जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन चुनावी मैदान में उतर चुका है। और अगर ओपिनियन पोल के आंकड़े के अनुसार किसको कितना बूथ शेयर 2019 के लिए मिल सकता है, तो यहाँ पर 33% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जा रहा है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन सकती है, ये यहाँ पर आंकड़ों की माने, ये अभी एग्जिट पोल अन्य चैनल का जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है। वहीं जेएमएम को 18% वोट शेयर यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है, कांग्रेस को यहाँ पर 12%, एजीएस पार्टी को 4% और जेबीएम को 7% वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड की जनता किसे पसंद करती है, रघुवर दास के लिए 38% लोग मानते हैं कि रघुवर दास का जो कामकाज है और वो पसंदीदा यहां पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसी लोगों की यहां पर मनसा है और लोगों की अपनी राय है। लेकिन हेमंत सोरेन भी पीछे नहीं है, 28% है और कांग्रेस और आरजेडी का सपोर्ट उन्हें मिलता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बाबूलाल मरांडी की जो पार्टी है उसको 13% लोग मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो झारखंड ओपिनियन पोल के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, ये एबीपी न्यूज का सर्वे है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो बीजेपी को 28 से 38 सीटें, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है लेकिन बहुमत से 3 सीटें पीछे है, ये आंकड़े अब निकल कर सामने आ रहे हैं। जेएमएम को 18 से 28 सीटें, जबरदस्त इजाफा 19 सीटें जेएमएम को 2014 के अंदर मिली, लेकिन 10 सीटों का सीधा सीधा फायदा जेएमएम को होता नजर आ रहा है। लेकिन कई यहां पर सर्वे और कई आपके जो यहां पर कमेंट है उसके अनुसार जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के लिए काफी कमेंट यहां पर सामने आ रहे हैं और 30+ को लेकर यहां पर जेएमएम धम भर रही है कि 30 सीटें उसको इस बार मिलने जा रही है। लेकिन एबीपी न्यूज का जो सर्वे है उसके अनुसार 18 से 28 सीटें यहां पर मिल सकती है और कांग्रेस को यहां पर 4 से 10 सीटें यहां पर मिलती हैं जा रही हैं और एजीएस पार्टी को 3 से 9 सीट यहां पर मिल सकती है, जेबीएम को 3 से 9 और उधर के लिए भी 3 से 9 सीट यहां पर मिल सकती है। ये अभी अभी जो सर्वे है वो यहां पर निकल कर सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह चुनावी मैदान में भले ही उतर गए लेकिन उनके लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह के नतीजे अब 2019 के लिए निकल कर आए हैं, महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की दो सीटों के लिए इसके अलावा भी उपचुनाव किए गए, उनके नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले निकल कर आए हैं। बीजेपी के लिए काफी बड़ी चुनौती बन चुका है झारखंड, तो इसलिए बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में है। ऐसे में आपको क्या लगता है, इन 81 सीटों के लिए गठबंधन को कितनी सीटें और बीजेपी का नारा आपकी बात पे असर, पार का नारा बीजेपी लेकर चल रही है, तो बीजेपी को कितनी सीटें इस बार मिल सकती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि आपकी राय काफी महत्वपूर्ण है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।